और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जिला पुंछ के प्रशासनिक न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल ने शनिवार को जिला न्यायालय परिसर पुंछ का दौरा किया, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार शर्मा, अन्य न्यायिक अधिकारियों और नागरिक प्रशासन सहित अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल का स्वागत भी किया। ओसवाल साहब ने डिस्ट्रिक्ट पंच जो कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी हैं, पंच के दौरे पे आए हैं, उन्होंने बार के साथ और बेंच के साथ इंटरेक्शन की, बार के और बेंच के जो मसाइल थे उन्होंने बार के मसाइल भी सुने और हमें अश्योर किया कि जो आपके जनरल मसले हैं उन पे हम जो है उनसे हेल्प करेंगे और उसको उनका डिस्कशन भी करेंगे। सारे बार मेम्बर्स की मौजूद थे यहाँ पर। उनका डिस्ट्रिक्ट पंच का यह दौरा था तो इस सिलसिला में कुछ यहाँ हमारी बार की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थी उनके सिलसिला में, तो उन्होंने शोर किया है कि जल्दी को भेज दिया जाएगा। ट्रैफिक मोबाइल मजिस्ट्रेट की पोस्ट भी खाली है, उसके लिए भी तो कुछ और छोटे मसाइल थे वो भी बात की गई है, लेकिन मेन हमारा जो है वो यही था कि ये बार रूम, ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी बिल्डिंग जो है ये जल्द कंप्लीट की जाए, इसके लिए फंड्स दिए जाए। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के गाँव फजलाबाद में बारिश से पशुशाला गिरी, 7 मवेशियों की इसमें मौत हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गौशाला फजलाबाद में गिर गई है और 7 मवेशियों की मौत की खबर है। जानकारी के अनुसार सूरनकोट तहसील के गांव फजलाबाद वार्ड नंबर 3 निवासी मोहम्मद शफी पुत्र अब्दुल्ला की ये गौशाला देर रात भारी बारिश की वजह से गिरी, जिसमें बंधे 7 मवेशियों की मलबे के दबने से मौत हो गई है। मारे गए मवेशियों में 2 भैंसे, 2 घोड़े, 2 बैल और 1 गाय शामिल है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने कड़े प्रयासों से मलबा हटाया, लेकिन तब तक सभी मवेशियों की जान जा चुकी थी। और बेहद दर्दनाक हादसा यहां पेश आया है, जहां गौशाला में बंधे 7 पशुओं की मलबे में दबने की वजह से मौत हो गई है।